अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्लोब। एक बार फिर आपको एजुकेशन ग्लोब पे खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, जो कि 50 प्लस मेल कैंडिडेट के लिए है। सुनने में आ रहा है कि 50 प्लस मेल कैंडिडेट को जो है वो अभी पास करेंगे और उनको जो है वो PSU और JST की सीट्स देंगे। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी एक कन्फर्मेशन मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। और वो वीडियो जो है वो सिंधी में है, लेकिन वो सिंधी में मैं आपको, सिंधी जो कैंडिडेट है वो तो उनको समझ जाएंगे, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग है उनको मैं जो है उर्दू में डिफाइन करके बताऊंगा। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है इस पर मैं बात करता अभी हूँ। तव इन में वीडियो में इो भी हलां त हींअर जेके प्रमोशन थियन पिया JST टू HST त सीटूं जेके आहिनि उहे वेकेंट थींदियूं ऐं खाली थींदियूं। त मे बी ईअं लॻे थो त थोरो रेशियो जेको आहे मार्कनि जो उहो हेठि खणी अचनि ऐं उहो जेके वेकेंट सीटूं आहिनि उन्हनि ते उहा जेका सो JEST ऐं PSU जी भर्ती पॉसिबल थी सघे थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में जो है सिंधी में इसने बात की थी। ये एक्चुअली जो है वो गुल लगारी साहब हैं, ये एक एजुकेनलिस्ट हैं, और इसको जो है वो कंफर्म न्यूज़ मिलती है और उसके बाद ये बात करते हैं। तो इन्होंने क्लियरली कहा इसमें, जो सिंधी स्पीकिंग है वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि अभी जो कुछ प्रमोशंस भी हो रहे हैं, यानी कि जो PST के जो है उनको JST में प्रमोट कर रहे हैं और JST को जो HST में प्रमोट कर रहे हैं, तो उस हवाले से काफ़ी सारे सीटें जो है वो बचेंगी। तो फिर जो है 50 प्लस मेल कैंडिडेट का जो है वो पक्का पक्का चांस है। यानी कि इस वीडियो में तो ये कह रहा है कि भाई पॉसिबल है, लेकिन इसने जो है एक इशारा दे दिया है और इसको आप कन्फर्म ही समझें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।